जी अब जाके बहुत ज्यादा फेस की है, कदम कदम पर बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, कोई भी हो सकती है, लेकिन बाबा ने बहुत मोटिवेट किया है हर कदम पे कि बेटा ऐसे चलना है, ऐसे नहीं, सही इस्तेमाल करना है हर चीज में। ये होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लो, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन आपको सही इस्तेमाल करना है, सही लेके चलोगी तो लोग आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे। सो इसीलिए मुझे बताओ कि आजकल ना मसला ये कि क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ना हर बंदे के हाथ में स्पेसिफिकली जो फोन भी आ गया, ये एक्सेस भी आ गया, हम ट्विटर पे लोगों को देखते हैं लोग जैसे ट्रोल कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को देखते हैं कि लोग बेचारे अपनी जिंदगी में जो परेशानी होती है ना वो लोगों से नफरत का इजहार करके उसको लगता है खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप एक अच्छी वाली पोस्ट लगा दें, आप एक छोटे बच्चे की भी पोस्ट लगा दें तो पता नहीं हमारे लोगों को क्या हो गया कि वो उसके बारे में भी आके इतना नेगेटिव कमेंट कर रहे होंगे। तो वैसे कमेंट्स आप पढ़ती हैं जो आप जो पोस्ट लगाती हैं उस पे? जी करते हैं लोग नेगेटिव कमेंट, हेटर्स आपको पता है जहाँ आपके लवर्स होते हैं वहाँ तो हेटर्स तो मस्ट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट करने की भी कोशिश की, लेकिन मोटिवेशन है मेरे बाबा, वो मुझे मोटिवेट करते रहते तो सारे रास्ते मेरे लिए आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या अब आगे, मैं देख रही थी आपने पहले किसी म्यूजिक वीडियो में माशाल्लाह से आपने काम किया हुआ है, इतनी प्यारी आवाज है, और कब खुद को एज एक्ट्रेस लॉन्च भी करने जा रही है, तो जबरदस्त हमारे सामने डायरेक्टर प्लीज भी बैठे हैं, ये देखे जब भी भवे दबा रहे थे इस वक्त से तो नया आइडिया आ जाए, इसके नया आइडिया आ जाए कोई। हाँ जी जी म्यूजिक वीडियोस मैंने किए हैं, मैंने इंडिया में भी म्यूजिक वीडियो किए हैं एंड बहुत जल्द वो रिलीज होने वाली है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, फैंस बहुत ज्यादा है। अच्छा ये बात हमने अच्छी की कि अब्बा की सपोर्ट, लेकिन मैं देख रही हूँ की अम्मा की सपोर्ट भी इनके साथ, बिल्कुल कहीं भी जाती है इनकी मदर इनके साथ जाती है, और मुझे याद आ जाता है उनके भाई भी साथ जाता है, मुझे याद आता है जब मैं पेपर देने जाती थी कॉलेज में तो मेरी अम्मी जो मेरे साथ जाती थी, पता नहीं मुझे लगता था मेरी अम्मी अगर बाहर बैठी होंगी ना तो मेरे कितने जबरदस्त मार्क्स आ जाने हैं। अच्छा तो ये एक सपोर्ट वैसे भी आपके साथ होना एक हौसला रहता है। हाँ। जब भी तो मदर्स डे लोग मनाते हैं, कभी फादर्स डे मनाते हुए देखा? मदर्स डे मनता है, माँ की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है बच्चे की अपब्रिंगिंग में, जिस चीज को बाप मना करता है अम्मा मना लेती है। लेकिन कहीं जगह उल्टा भी होता है कि जिस चीज को अम्मा मना करती है ना वो अब्बा मना, वो तो फिर ये सही कह रही है, सब लोग मिलके नहीं बैलेंस रहता है ना। हाँ। तो आपके घर में कौन सख्त है ज्यादा? मुझे तो अम्मी लग रही है। नहीं नहीं आई थिंक दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल हाँ। जिसका दिल चाहता है पीट देता है क्या? नहीं पीटने वाला सीन नहीं होता, लेकिन समझाते हैं कोई भी मतलब हर चीज से समझाते हैं, कोई गलत काम नहीं करना, इस तरह से चलो, मतलब दोनों की आई थिंक इक्वलिटी है। अच्छा लेकिन वो खुश तो एंजॉय तो करते होंगे जब वो देखते हैं कि हाँ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से एक तो इतने डिजिटल क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर हो और जो लोग आके अप्रिशिएट करते हैं, और जब आके सेल्फीज वगैरह लेते, पहले अब्बा के साथ सेल्फीज लेते थे, अब बेटी के साथ, अब बेटी के साथ, तो वैसे कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है जब बाबा जब फखर महसूस करते ना, वो जो खुशी उनके चेहरे पे देखती है ना, बस वो सुकून मिल जाता है मुझे, मुझे वाह मतलब मैंने कुछ करके दिखा दिया है, मतलब वो बड़ी खुशी होती है। जबरदस्त। अच्छा जी अंजला के बारे में आपको बता दूं, माशाल्लाह से हमारी जितनी ही प्यारी लड़की है ना, इसके भी हाथ पीले होने वाले हैं, जिस हाथ में आपने जी अल करीब जो है वो अंजला की जो है वो भी शादी होने वाली है, और हमारी बहुत सारी नेक तमन्ना है। इतनी जल्दी किस बात की भाई अंजला? जी हाँ वैसे मैं भी पूछ, इतनी जल्दी क्या मतलब? अच्छा या आई एम 25 अब आई थिंक, बस यही पूछना आ गया है, यही टाइम है, यही मकसद, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो आपको लगता है, ये तो शादी के बाद ही पता लगता है अच्छा है बुरा है, उससे पहले भी लाइक अगर आपको लगे कि यू नो ये एक बंदा है या कोई इंसान है जो आपको हु मेक्स यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, हु सपोर्ट्स यू अनकंडीशनली, व्हाई वुड आई नॉट वांट टू गेट मैरिड। देखो ये जो आप मुझे बता रही हो ना, इसको बहुत ही सीधी जबान में कहा जाता है, प्यार में अंधा होना। जो मुझे मतलब अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट एंड जो भी जो मुझे पुश मिला है ना वो जेन्युइनली ही गिव्स मी जिंदगी में वो जो आपने जो बाकी अपनी जिंदगी गुजारनी है उसको गुजारने के लिए अच्छा शरीक हाथ अगर आपको मिल जाए जल्दी, बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने शरीक हाथ को लेके कह रहे थे कि ओ हो कि बड़ी बड़ी देर से मिले, तो अगर पहले मिलते तो और पता नहीं जिंदगी में क्या कुछ चीजें आप हो सकती हैं। एवरीबॉडी इन माय फैमिली सबने बहुत यंग एज में शादी की थी, सो अम्मी की भी शादी 18 साल में हुई थी, उनकी अम्मी की भी 18 साल में, तो उनके लिए तो होगा कि अंजला तुम्हारी तो शादी लेट हो रही है, उनको उनको तो ऑब्वियसली समझ आ गया, बट इन द रेस्ट ऑफ द फैमिली सबको ये था कि ओ तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो रही है, एंड आई वाज लाइक नहीं आप लोग भूल रहे हैं कि मैं अब 25 की हो गई हूँ, और बाकी सबकी शादियाँ काफी अर्ली एज में हुई थी। देखिए ये आज के दौर की एक और बहुत बड़ी निशानी है कि हम लोग कितने प्रोग्रेसिव हैं,
कि लड़कियां अपना लाइफ शो में एज बता रही हैं, ये कितनी अच्छी बात बनती है। आप नहीं बता सकते, मैं तो बिल्कुल बताती हूँ। इंशाल्लाह अगले साल मेरा आईडी कार्ड बन जाएगा, अगले साल इंशाल्लाह सितंबर मेरी सालगिरह होगी, उल्टा छपेगा। अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आना, आप लोग भी अच्छे गिफ्ट भेजिएगा, फिर उसके बाद वो इंशाल्लाह फिर आईडी कार्ड। बट थैंक यू। रबीका भी की शादी का पूछे यार, ये कब हो रही है? हाय अल्लाह, मेरी शादी की क्यों लग गई? क्यों पड़ी? आपने आपने क्या दिन की शादी की बात हो ही रही है तो वॉशिंग मशीन आपको दानिश चाचा देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, सब लोग कहते हैं यार चाचा दानिश भाई हूं मैं उसका भाई। हां सॉरी, मैं आपको बताऊं कि ना ताऊ ताऊ है वैसे तो आप नाना हो जाएंगे। माहौल तो मेरा वही है। बात तो बातों में पता ही चला कि टाइम कहाँ पहुंच गया है, क्योंकि अब इजाजत लेने का वक्त भी आ गया है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ, बहुत प्यारी रबीका, बहुत ही प्यारी अंजला थी हमारे साथ, नादिरी भाई मौजूद थे, और दानिश साहब वो कितने हुसन का मंबा। ओह माय गॉड, आप मैं कहती हूँ भाई एक ऐसा प्यारा इंसान जिनसे बात करके दिल खुश हो जाए। सो ये बड़ी यू आर वेरी ब्लेस्ड माशाल्लाह, अल्लाह यू आर ब्लेस्ड, अल्लाह पाक आपको अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और जाते जाते नादिर हमारे साथ है, और हमने नैरा के कुछ जो गाने हैं कोशिश की कि कुछ आपके सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मदिया नकवी विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉर्निंग शो। बहुत अच्छा होगा शो, लेकिन उसमें एक चीज आपने, एक खास सेगमेंट है जो मैं चाहता हूँ वो जरूर ऐड हो उसमें, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, जिसमें हेल्दी रेसिपीज भी हों, कुछ फिटनेस टिप्स भी हों, तो ये जरूर रखना आपने। और छा जाए एक मरतबा फिर, ऑल द बेस्ट। और चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अस्सलाम वालेकुम तमाम तर देखने वालों को, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह के समय मदीहा के साथ में, आपकी मदीहा के साथ में आपका एक बार फिर सम करते हैं खुशामदीद जनाब। कल के शो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत आपने उसकी पजीराई दी, और यकीन माने मैं रात में नहीं सोई, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ऑफ कोर्स कल मैं इतने अरसे के बाद एक एंटरटेनमेंट का जो मॉर्निंग शो दोबारा करने जा रही थी, तो मैं कहीं ना कहीं नर्वस भी थी, और इतने अरसे के बाद दोबारा से स्टेज पे आके मैं शो करने जा रही थी और आप लोगों से वैसे इंटरेक्ट करने जा रही थी, तो मैं थोड़ी बहुत नर्वस कल थी। लेकिन आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, सोशल मीडिया पे मैसेजेस पढ़ के, मेरी तमाम तरह जो नर्वसनेस थी और जो कहते ना कि मुझे थोड़ी बहुत हो रही थी कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी इतने अरसे के बाद मैं दोबारा से, आपको पता ना कि मुझे वैसे भी बोलने का कितना शौक है, तो बातें तो मेरी आपको पता है, आपकी मदिहा के पास बातें कभी बोलने के लिए ख़त्म नहीं होती। लेकिन कल आपके फीडबैक ने जो हमें मोहब्बत दी है, वो मोहब्बत हमारे सर आंखों पर, कोशिश करेंगे कि हम आपकी उस मोहब्बत पे पूरा उतरने की भी कोशिश करें। अच्छा जी, कुदरत का एक दस्तूर है कि हर इंसान, हर जीशो जो है वो उसका ख्वाब होते हैं, और वो ख्वाब पूरे करने की कोशिश भी करता है, और हमारे जो माँ बाप होते हैं उनकी तरफ से चंद अल्फाज हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। जैसे माँ बाप कहते हैं कि वेल डन, वेरी गुड, ठीक है बेटा, तुम इसमें अगर अपनी 50% भी एफर्ट डालो तो मैं भी तुम्हारे लिए इसमें कुछ कोशिश करूँगा, और मैं भी कोशिश करूँगा कि किसी ना तरीके से, अगर तुम्हें चाहे क्रिकेट खेलने का शौक़ हो, तुम्हें सिंगिंग का शौक़ हो, तुम्हें एक्टिंग करने का शौक़ हो, या एक डॉक्टर अगर देखे कि उसका बच्चा जो वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो कहते हैं बेटा मैं अपना जी जान लड़ा दूँगा तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए, तो ये कुदरत का दस्तूर है ना। और माँ बाप अगर ऐसा नहीं करेंगे अपनी औलाद के लिए, तो फिर और कौन करेगा। लेकिन मैंने एक स्पेसिफिकली ये चीज़ देखी है कि जब हम अपने शोबिज़ की इस फील्ड में देखते हैं कि माँ बाप अगर बच्चों को सपोर्ट करें, जो कि एक कुदरत का दस्तूर भी है, तो लोग उसको नेपोटिज्म का नाम देने लग जाते हैं। देखिए, एक लेवल से बढ़ के अगर आप बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे हो कि आप उसके लिए बाकी तमाम तो लोगों की अगर चीज़ें काटने लग जाएँ, तो हाँ फिर वो बुरी है। लेकिन वही बात, कुदरत का दस्तूर, अगर ये माँ बाप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अगर हम पाकिस्तानी या अगर हम लॉलीवुड पुरानी फिल्मों के हवाले से बात करें, तो कुछ नाम ऐसे थे कि ऐसा जिन्होंने राज किया, और ऐसा लग रहा था कि अगर इनके बच्चे, अगर पाकिस्तान की लॉलीवुड में हमें लगता है कि नेपोटिज्म सही तरीके से एग्जिस्ट करती होती ना, तो सुल्तान राय साहब, कितनी उन्होंने बे इंतहा फिल्में की हुई थी, सैकड़ों फिल्म जो हैं वो उन्होंने की थी।
तो सुल्तान राइस साहब के जो बेटे थे वो भी आज लॉलीवुड पे राज कर रहे होते, हैदर सुल्तान साहब। बट क्या करें जी, जो ऑडियंस होती है, ये कैमरा होता है, ये बहुत ब्रूटल होता है, कहीं कहीं बच्चों का वो शौक भी नहीं होता जो कि उनके वालिदैन का शौक होता है, जो उनके वालिदैन कर रहे होते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के जो बेटे थे वो बड़े ज़बरदस्त, वो सिंगर भी हैं, वो टेलीविज़न पर काम भी करते हैं, लेकिन जैसे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे वो वैसे नहीं कर सके। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ये जो तमाम तर बच्चे होते हैं ना, जो स्टार किड्स होते हैं, इन पर एक प्रेशर होता है कि ये सोसाइटी उनसे पूछेगी कि भाई तुम्हारे वालिद तो इतने बड़े एक्टर थे, तुम्हारे वालिद तो इतने बड़े सिंगर थे, तो तुम अपने वालिद के पाए के सिंगर या एक्टर क्यों नहीं बन सके। अब ये देखें, अभिषेक बच्चन की मिसाल इतनी बड़ी हमारे सामने है कि वो घर में कितना बड़ा अमिताभ बच्चन वहाँ पर बैठे हुए, तो उनके बच्चे से फिर हर कोई पूछता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हर बंदे के अंदर की अपनी कैपेसिटी होती है। अच्छा, फिर सैयद कमाल आप देख लें, जो गालिब साहब के जो सैयद कमाल साहब, उनके जो बेटे गालिब कमाल, वो भी हमारे सामने कैसे उन्होंने राज किया हुआ, लेकिन जो उनके